तो गाइस स्वागत है बहनी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Redmi की Note 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi की Note 11 सीरीज बहुत ही जल्द दोस्तों लॉन्च होने वाले हैं। तीन स्मार्टफोन दोस्तों Note 11 की सीरीज में आने वाले हैं दोस्तों, जो होने वाले Redmi Note 11 5G, Note 11 Pro एंड Note 11 Pro Plus। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इसी तीनों स्मार्टफोन के बारे में, आपको बताऊंगा डिटेल में क्या कुछ आने वाला है, क्या प्राइसेस वगैरह होने वाली है एंड कब एक्सपेक्टेशंस हैं कि लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ Redmi के Note 11 एंड 11 Pro 11 Pro Plus की, तो बेसिकली दोस्तों ये चाइना में दोस्तों लॉन्च हो चुका है दोस्तों पिछले थर्सडे को। Redmi Note 11 की अगर मैं बात करूँ तो 5000 mAh की दोस्तों बैटरी वगैरह के साथ आ रहा है। Redmi Note 11 Pro भी 5000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन दोस्तों Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो दोस्तों अभी 4500 mAh की बैटरी के साथ ये आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन साइज़ है दोस्तों वो 6.6 इंच की Redmi Note 11 की है रेंज। अब इसी में दोस्तों Redmi Note 11 में दोस्तों 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, इन दोनों में आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। जो दोस्तों स्क्रीन होने वाली है दोस्तों माइट भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है, ये दोस्तों एक LCD पैनल पे होगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूँ तो MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर है Redmi Note 11 में, एंड 11 Pro एंड Pro Plus में दोस्तों MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर है। रैम जो आने वाला दोस्तों 4GB का स्टार्टिंग वेरिएंट पे रैम होगा Redmi Note 11 का, बाकी दोनों में दोस्तों 6GB रैम वेरिएंट आएगा। 128GB स्टोरेज होने वाली है। अगर मैं कैमरा सेटअप्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ पे Redmi Note 11 में दोस्तों आपको 50MP प्लस 8MP, 11 Pro Plus में भी दोस्तों 108MP के, इसके अलावा भी आपको मैक्रो शूटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बट उसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मेन सेंसर की बात करें। अकॉर्डिंगली फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा है। अब इसी में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह में MIUI लेटेस्ट वाला होने वाला, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड होगा गाइस। एंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेंसर्स वगैरह की, डेफिनेटली सारे सेंसर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो फोन्स वगैरह आ रहे हैं दोस्तों कब तक में आ रहे हैं, क्या प्राइसेस वगैरह होने वाली, तो देखते दोस्तों। जैसे कि अभी चाइना में दोस्तों ये लॉन्च हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस वगैरह आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5000 mAh के साथ 67W की चार्जिंग जो है वो Redmi Note 11 Pro दे रहा है, 120W की चार्जिंग दोस्तों Note 11 Pro Plus दे रहा है, एंड 33W नॉर्मल फास्ट चार्जिंग जो है वो Note 11 दे रहा है। तो अब इसमें जो प्राइसिंग वगैरह आ रही है, वो जो प्राइसिंग वगैरह है वो दोस्तों इस तरीके से है कि Redmi Note 11 Pro की अगर मैं बात करता हूँ, तो Redmi Note 11 Pro जो कि सबसे ज़्यादा लेने वाला बिकने वाला फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस है, अच्छे कैमरा क्वालिटी भी है, तो स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 18,700 या 19,000 के अप्रॉक्स में होने वाली है। एंड 11 Pro Plus की प्राइस जो है वो स्टार्टिंग 22,500 के अप्रॉक्स में होगी। Redmi Note 11 5G की प्राइस बहुत ही अच्छी आई है, जो कि दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के पास आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 15,000 या फिर 16,000, 16,500 में पहला वेरिएंट आपको Redmi Note 11 का देखने को मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आप एक्साइटेड है या नहीं। बाकी इसकी लॉन्च की बात करते हैं, तो दिसंबर माइट भी दिसंबर मंथ में या फिर दोस्तों जनवरी के मंथ में ये लॉन्च होगा। अभी तक यही है दोस्तों कि अभी इस मंथ में नहीं आने वाला है। बाकी आज की वीडियो करती है, मैंने होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।